पूरा बोगी खाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं महेश राज स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो ब्लॉग में। अभी हम फिर से आ गए पुणे स्टेशन। आज हम जा रहे मुंबई इंद्रायणी एक्सप्रेस। पिछले ब्लॉग में हमने डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का व्लॉगिंग एक्सप्लोरिंग किया था, तो अभी हम जा रहे हैं इंद्रायणी एक्सप्रेस से। अभी जो इंद्रायणी एक्सप्रेस है वो 6 नंबर पे आने वाली है, तो अभी हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। आज सैटरडे होने की वजह से भीड़ बहुत है, तो फिलहाल देखते हैं। रिजर्वेशन तो कंफर्म है, तो फिर भी जाने में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो हमारी इंद्रायणी एक्सप्रेस आई है। एक्चुअली ये सोलापुर से पुणे तक की अलग ट्रेन है, इंटरसिटी, और यहाँ से यही ट्रेन मुंबई के लिए आगे जाती है। हमारी बोगी नंबर है D5, और D5 अभी आगे चली गई। एक्चुअली सोलापुर से आई हुई भीड़ है, बहुत ही भागदौड़ चालू है आज। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये हमारी इंद्रायणी एक्सप्रेस। अभी 6:32 हुए, अभी हम निकलने की तैयारी है, चालू है। अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी हम निकल रहे हैं पुणे स्टेशन से। एकदम मस्त इवनिंग है आज का। तो ये ट्रेन नंबर है 22106 इंद्रायणी एक्सप्रेस, जो पुणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ट्रैवल करती है। ये डेली पुणे से छूटने वाली गाड़ी है, जो शाम के 6:35 को छूटती है। इस इंद्रायणी एक्सप्रेस का नाम पुणे में बहने वाली एक इंद्रायणी नदी के नाम पे दिया गया है। इस इंद्रायणी एक्सप्रेस में टोटल 17 कोच होते है, इसमें से 2 जो AC कोचेस है, बाकी के जो 8 है वो सेकंड क्लास कोचेस है। और जो 2 कोचेस रहते हैं जो डेली अप डाउन करते हैं जो पास होल्डर्स है उनके लिए रिजर्व रहते हैं, और बाकी के जो 5 है वो अनरिजर्व कोच रहते हैं। इस ट्रेन का जर्नी पुणे जंक्शन से स्टार्ट होके पुणे, लोनावला, कर्जत, कल्याण, ठाणे, दादर और लास्ट में 6 MT रात के 10 बजे पहुंच जाती है। इंद्रायणी एक्सप्रेस से ट्रैवल करने के लिए आपको सेकंड क्लास के लिए ₹105 टिकट चार्जेस लग सकते हैं। अगर आप AC चेयर कार से ट्रैवल करने वाले हो तो वही टिकट आपको ₹385 का पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व कोच से ट्रैवल करने वाले हो तो अनरिजर्व टिकट का फेयर है ₹90। अगर आपका लगेज यहाँ रखना है तो यहाँ ऊपर रखने के लिए जगह दिया है, और सीट की कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छी है इस कोच की। ऊपर फैंस भी दिए हैं। इस फैन के जो
जो स्विचेस है ये यहाँ दिए, यहाँ चार्जिंग का भी ऑप्शन। थोड़ा इस बोगी के वॉशरूम के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। तो ये है डस्टबिन, ये है वॉशरूम, इसने रख दिए इधर। ये इंडियन स्टाइल है, ओ पूरा बोगी खाली है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, यहाँ चार्जिंग के लिए सॉकेट भी दिए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम दादर पहुंच गए, बहुत ही भीड़ है आज सैटरडे। एंड ये सामने जा रही लोकल, तो अभी हमारी ट्रेन भी निकल रही है। तो हसीन रात है और अभी हम निकले मुंबई एयरपोर्ट के लिए। अंधेरे के वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ा अंधेरा अंधेरा आया होगा, फिर भी ये शानदार नज़ारा मुंबई का। ये है मुंबई लोकल, बड़े बिल्डिंग्स है। रात के दिन रात की रोशनी में इतने अच्छे लग रहे हैं, वाओ। ये कुछ तो अलग नज़ारा ये देखने को मिल रहा है आज। तो अभी हम पहुंच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। अभी हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, ऑन टाइम हम अराइवल हुए मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आज की जर्नी थी ये 22106 इंद्रायणी एक्सप्रेस। तो आज के हमारी इंद्रायणी एक्सप्रेस का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। हमारी ये जर्नी, हमारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।